हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जेड अचीवर ऐप से फ्री फायर गेम की ओबीबी फाइल को कैसे सेट करें। तो यहां पर गाइस, मैं आपको सबसे आसान तरीका बताने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, साथ में यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने वाले हैं। तो चलिए गाइस, हम आपको सीधे बताते हैं। तो सबसे पहले जेड अचीवर ऐप को ओपन करना है, और यहाँ पर सबसे ध्यान देना गाइस, यहाँ पर आपको अलाउ करना है। तो यहाँ पर देखिए, अलाउ हमने कर दिया। अब देखिए, अलाउ करने के बाद आपको जहाँ भी आप फ्री फायर गेम रखे हैं वहाँ पर एक बार जाना है और गेम को एक बार इंस्टॉल कर लेना है, जिससे कि फोल्डर बन जाए। यहाँ पर देखिए, मैंने गेम को इंस्टॉल कर रखा है। गेम को एक बार ओपन करते हैं और फिर यहाँ से कट कर देते हैं। देखिए, इतना ओपन हो गया। अब यहाँ से कट कर देते हैं, और अब चलिए गाइस, जेड अचीवर ऐप को फिर से ओपन करते हैं। फिर जहाँ पर रखे हैं ओबीबी फाइल को, वहाँ पर जाना है। फिर ओबीबी को यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी कैसे होगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ। कॉपी करने के लिए आपको ओबीबी वाले, देखिए ओबीबी पर कुछ टाइम तक क्लिक किए रहना है, या फिर देखिए यहाँ पर कुछ टाइम तक क्लिक किए रहता हूँ, यहाँ पर कॉपी का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप में ऐसा नहीं हो रहा है तो दूसरा तरीका भी है गाइस। आप यहाँ पर देखिए, ऑरेंज कलर में जो है, आपको इस पर क्लिक करना है फाइल के नेम के लेफ्ट में। क्लिक करने के बाद आपको ऊपर की साइड यहाँ पर क्लिक करना है, फिर क्लिक करना है कॉपी पर। जैसे ही कॉपी पर क्लिक करेंगे, कॉपी हो जाएगा। अब आपको सबसे ऊपर यहाँ पर क्लिक करना है, फिर क्लिक करना है डिवाइस मेमोरी पर, फिर जाना है एंड्रॉयड वाले फोल्डर में। यहाँ पर जाने के बाद आपको ओबीबी वाले फोल्डर में जाना है। और अब गाइस, यहाँ पर ध्यान देना, आपको यहाँ पर कैंसिल मत कर देना, कैंसिल करेंगे तो नहीं होगा। आपको यहाँ पर ओके करना है, तो ओके चलिए करते हैं। करने के बाद अगर देखिए बंद रहेगा तो आप इसे एक बार चालू कर देना, फिर बैक आना है। बैक आने के बाद देखिए, यहाँ पर फिर से कॉपी करना पड़ेगा। तो फिर से जाते हैं जहाँ पर ओबीबी रखे हैं, और यहाँ से कॉपी करते हैं, फिर सबसे ऊपर क्लिक करते हैं, फिर डिवाइस मेमोरी में क्लिक करते हैं, फिर एंड्रॉयड, और फिर ओबीबी, और फिर फ्री फायर का फोल्डर यहाँ पर मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके आपको नीचे पेस्ट वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। और देखिए, यहाँ फ्री फायर की ओबीबी फाइल पेस्ट हो रही है। और अभी मैं आपको गेम को चालू करके दिखाता हूँ। देखिए, हो चुका है। अब आपको धीरे धीरे बैक आना है, और अब चलिए गेम को ओपन करते हैं। गाइस, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, गेम हमारी ओपन हो चुकी है बिना किसी प्रॉब्लम के। 2 MB का अपडेट है, 3 MB का, इसे अपडेट करके अब आप इसे खेल सकते हैं। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को ज़रूर लाइक करना। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।